हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपको नाइट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, जैसे हम सभी को विदित है कि अभी RRB, ELP और ग्रुप बी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और इनके लिए मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। और ये क्लासेस जो हो गए फिलहाल अभी साइंस के लिए होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगे, और मैं पूरा कवर करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ में दूं और आप सभी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो जैसे नाम से ही मालूम है कि यहाँ पे RRB, ELP, ग्रुप डी के लिए ऑल एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है, तो नाइट क्लासेस में प्रोवाइड करवाऊंगा रोज़ आपको। और तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं साइंस को शुरू करूँगा, और साइंस में सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ फिजिक्स। हम साइंस में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम सबसे पहले पढ़ाई करेंगे लाइट। तो सबसे पहले हम फिजिक्स में लाइट पढ़ेंगे, और यहाँ से मानिए कि 2 से 2 एंड 3 क्वेश्चन 101% कोई भी एग्ज़ाम में आ जाता है। जैसे इसकी इमेज कैसे बनेगी, अवतल लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस क्या होता है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनेगी, एंड ऑल द टोटल TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिएक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड देन जैसे और भी आता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, सूरज अपनी स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई देता है, ये चमकता क्यों है, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बना करते हैं। हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल करूं और आप सबको समझ में आए। तो मैं सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ लाइट। जैसे मैं आपको बताया था कि सबसे पहले लाइट शुरू करने वाला हूँ। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश, किरण प्रकाशिकी। हिंदी में इसको बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। आपको यहां तक चीज समझ में आई होंगी। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि लाइट होती क्या है, चीजें हमें दिखाई देती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, और इनका क्या नेचर होता है, कैसा गुण होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन डेवलप होते हैं। तो हम बिना वक्त गुमाए शुरू करते हैं और सब्जेक्ट में आते हैं। सबसे पहले लाइट में जानने की जरूरत यह है कि लाइट है क्या। तो हमें सबसे पहले जानने की जरूरत यह है, हम पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करेंगे। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है। क्या होती है? लाइट एक तरह की एनर्जी होती है, यानी कि एक ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा मिलती कहाँ से है? सन से मिलती है। अब सन में जो ऊर्जा जनरेट होती है वो कैसे होती है? नाभिकीय संलयन, यानी कि यहां पे दो हाइड्रोजन मिलके या चार हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं, और इसी के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो फॉर्म आती है वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है। कहां से? सन से हमारे अर्थ तक पहुंचती है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। अब बात ये आती है, नेक्स्ट पॉइंट बात ये है कि एनर्जी या लाइट होती कैसी है, इसका नेचर क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि सन से अगर पृथ्वी तक, सपोज अगर सन से अर्थ तक वो लाइट आ रही है, तो हमको मालूम है कि बीच में वैक्यूम भी होता है। तो यानी कि हमारी जो लाइट होती है वो वैक्यूम में रन कर सकती है, वो वैक्यूम में रन कर सकती है। एक्चुअली वैक्यूम में इसकी स्पीड जो होती है वो 10^3 × 10^8 मीटर सेकेंड होती है। यानी कि लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहां पे होती है? वैक्यूम में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
अभी हमने आपको बताया कि लाइट एक तरह की एनर्जी होती है और ये सन से लेके पृथ्वी तक आती है, यानी कि लाइट का एक ही सोर्स है, वो क्या है, वो सन है। लाइट का एक ही प्राकृतिक स्रोत है, वो क्या है, वो सन है। वो क्या है, वो सन है। ओके, यहां तक आपको समझ में आई होगी। सन है। अब ये जो सन से लाइट निकलती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में बनती है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये रेडिएशन के फॉर्म में आती है। रेडिएशन यानी कि हिंदी में विकिरण। तो लाइट कैसे रन करती है, विकिरण, और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर जो होता है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है, वो ट्रांसवर्स वेव्स की तरह होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह होता है, और किस फॉर्म में होती है, रेडिएशन के फॉर्म में होती है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपने लेवल में थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि जो लाइट होती है, जो सन से लाइट निकलती है, हमने आपको बताया, तो लाइट होती कैसी है, मतलब इसका ये बनी कैसी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तरंग फॉर्म में होती है, कुछ लोग बोलते हैं कण फॉर्म में होती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो लाइट है ये चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है, चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। और अच्छा, लाइट होती कैसी है, या तो ये तरंग होती है तो कण होती है, ये डिफाइंड नहीं हो पाया कि ये तरंग है कि कण है। ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी में बताया कि ये तरंग फॉर्म में नहीं होती, एक तरह का ये फोटोन होता है, फोटॉन यानी कि लाइट का पैकेट, फोटॉन यानी कि लाइट का पैकेट, फोटॉन यानी कि लाइट का पैकेट। ये आप इसको सबको नोट डाउन करते रहिएगा, लाइट का पैकेट। अच्छा, अब ये यहां तक कहानी ये हुई। तो हम ये बोल सकते हैं जो लाइट का नेचर होता है, जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है, वो ड्यूअल नेचर का होता है, ना तो वो तरंग होती है और ना ही वो कण होती है। वो कैसी होती है, इन दोनों का रूप होती है। कैसी होती है, वो कण भी होती है और तरंग भी होती है। इसको कौन बताया था, इसको आइंस्टीन ने डिस्क्राइब किया था। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। कौन सी वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए वो लाइट जो है वो क्या होती है, वो सन से लेके हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाती है, सन से लेके हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाती है। तो जो थ्योरी, तरंग थ्योरी जो थी, वो एक तरह की, अच्छा, लाइट की व्याख्या करने के लिए जो थ्योरी बनाई गई थी, वो थ्योरी, उस थ्योरी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, उस थ्योरी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसको और क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं क्रॉम्पटन प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉम्पटन प्रभाव। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये क्रॉम्पटन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, किसी मेटल पे जब फोटोन पड़ते हैं तो उसको गर्म कर देते हैं और वहां से लाइट निकलना शुरू हो जाती है, ऐसी कुछ प्रक्रिया होती है। और इसी थ्योरी के तहत ये क्या बात करते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी इसको डिस्क्राइब करती है। और यहीं से मालूम पड़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी से ही मालूम पड़ा, यानी क्रॉम्पटन इफेक्ट से मालूम पड़ा कि जो लाइट है वो ना तो कण है और ना ही वो वेव है। कैसा नेचर होता है, वो डुअल फॉर्म में होता है। यहां तक हम बात समझ गए होंगे। अब बात यह आती है, कि जो सन होता है, हमने आपको बताया यहां पे जो सन होता है ये हीलियम हाइड्रोजन के परमाणु मिलके
मिलते हैं और हीलियम का परमाणु बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। इसी एनर्जी के कारण यहाँ पे ये सन के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती रहती है और ये हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ से लाइटें निकलती हैं, यानी कि रेज निकलती हैं, और वो चारों तरफ, ऐसा नहीं कि इस पार्ट से अधिक निकलेगा, वो चारों तरफ एक ही रेस से निकलता है। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 6000 सेल्सियस के आसपास होता है, 6000 सेल्सियस का आसपास होता है, और इसके अंदर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, 10^7 के पावर में होता है करीब, बहुत ज़्यादा आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर करीब एटलीस्ट 6000 सेल्सियस के आसपास हुआ करता है, ये बात हुई। अच्छा, ये जो लाइट निकलती है तो ये क्या होता है, ये सन से जो लाइटें बाहर आती हैं इन सभी का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, जिसके कारण हम ये बोल पाते हैं कि ये IR है, ये रेडियो वेव है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, ये विजुअल रेड है, ये विजुअल है, और ये ऐसी रे। इनको हम कैसे बोल पाते हैं, इनको इनके लेमडा के आधार पर बोल पाते हैं, यानी कि इनका लेमडा अलग अलग होता है, इसलिए हम इनको पहचान पाते हैं कि कौन सी वेव कहलाती है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो सन से रेज आती है वो ऐसा तो नहीं कि अलग अलग होगी, उसका मीडियम जो सबसे लोअर वेवलेंथ जो होगी और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। अगर हम बोल दें कि जो सन से रेज निकलती है उनका रेंज क्या होता है, तो उनका रेंज जो होता है वो 39,000 से 39,000 एंगस्ट्रॉम से लेके 78,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, 9700 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ये टोटल, मतलब ये क्या हो गया, ये सन से आने वाली सबसे मीडियम वेवलेंथ हो गया, और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है, ये होता है सन का। तो कोई अगर पूछे कि सन से मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी निकलती है, तो 78,000 एंगस्ट्रॉम से निकलती है, और मिनिमम कितनी होती है, वो 39,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट देखता हूं। अब बात ये आती है, अब बात यह आती है कि वो कौन सी लाइट होती होगी, वो कौन सा वेवलेंथ होता होगा जिस पे जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती होगी। पूछ सकता है कि वो कौन सा वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है जिसका, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, तो वेवलेंथ उसका जो होता है वो 320 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच जो वेव होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी देती है। अच्छा, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10^-10 मीटर, तो आप यहां से कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो 300 नैनोमीटर होता है, 300 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ की लाइट होती है, जो लाइट होती है उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अभी हमने ये समझ लिया, हमें यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है। हम धीरे धीरे अपने स्टेप को क्लियर करते जाएंगे, और डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इस नाइट क्लासेस से आप सबको। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं फिर से। हमने ये जान लिया, हमने ये जाना अभी कि वो कौन सी लाइट होगी जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा लाइट की एनर्जी होगी वो 320 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के बीच सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि दृश्य प्रकाश आखिर है क्या, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विजुअल लाइट। अच्छा, विजुअल लाइट की लैम्डा कितने कितने से बीच होता है, तो मैंने आपको बताया विजुअल लाइट वो सभी विजुअल लाइट होती हैं जो सन से बाहर निकलती हैं, वो सभी विजुअल लाइट होती है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि इसका अगर हम नैनोमीटर में बोल दें तो इसका भी तरंग दैर्ध्य जो होगा वो 390 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर के बीच होगा। अब इसको 3900 एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं और नैनोमीटर भी इस तरह लिख सकते हैं। तो वो विजुअल लाइट जो होती है उसका जो
लेमडा होता है यानी कि जो दिखाई देने वाली लाइट होती है उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 390 एंगस्ट्रॉम से लेके 90 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट होती है, वो कौन सी विजुअल लाइट होती है जो हमारे आंखों के लिए सबसे सुटेबल होती है यानी कि सबसे सेंसिटिव होती है, उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए। तो दोस्तों उसका वेवलेंथ होना चाहिए एटलीस्ट जो 5500 एंगस्ट्रॉन की जो लाइट होती है, 5500 एंगस्ट्रॉन की जो लाइट होती है ये हमारे आई के लिए जो होती है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। सबसे ज्यादा सुग्राही होती है, मतलब हमारी आंखों के लिए जो सबसे अच्छी लाइट मानी जाएगी उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, वो 5500 एंगस्ट्रॉन आसपास होना चाहिए। यहां तक हमने जो अभी डिस्कस किया मैंने आपको बता दिया कि लाइट क्या क्या होती है। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जो ट्रांसफर वेव्स के रूप में होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है, ये सन से निकलती है। अच्छा इसका जनरेट कैसे होती है, इसमें नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है जिसके कारण एनर्जी बाहर आती है। सन की जो एनर्जी निकलती है यानी कि सन का जो वेवलेंथ मिनिमम कितना होता है मैंने आपको बताया है 3900 एंगस्ट्रॉन बोल दो या तो आप 390 नैनोमीटर बोल दो, बात एक ही है। और मैक्सिमम जो होती है 7800 एंगस्ट्रॉन होती है मिनिमम, अगर मैक्सिमम अगर नैनोमीटर बोल दो हुए तो 780 नैनोमीटर की बात होती है। अच्छा लाइट की वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, मैंने आपको ये बताया। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर जो होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है। इसकी व्याख्या किस कौन सी थ्योरी करती है, क्रॉम्पटन इफेक्ट करता है। और क्रॉम्पटन इफेक्ट किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट के बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। और मैंने साथ में एक चीज आपको और बताई कि जो हमारी आई होती है वो 5500 एंगस्ट्रॉन की लाइट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि हमारी आई कौन सी लाइट को सबसे अच्छा कंफर्ट फील करेगी, वो लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या होगी 5500 एंगस्ट्रॉन के बीच में होगी। अब हमने आपको बताया कि जो लाइट होती है वो निर्वात से भी चल सकती है, तो निर्वात में लाइट की जो चाल होती है यानी कि स्पीड होती है वो 3×10^5 मीटर सेकंड होती है। और निर्वात में ही लाइट का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो लाइट होती है, अब बात अगर आती है कांच में लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो कांच में जो लाइट की स्पीड होती है वो 2×10^8 मीटर सेकंड होती है। इसके बाद और देखिएगा, तारपीन के तेल में इनकी स्पीड कितनी होती है, ये 2×2.04×10^8 मीटर सेकंड होती है। इसके बाद और अगर जल में कोई बोले तो जल में कितनी स्पीड होती है, इसकी जल की स्पीड जो होती है वो 2.25×10^8 मीटर सेकंड होती है। इसकी स्पीड अगर नाइलोन में पूछा जाए किसी से, नाइलोन आपने पढ़ा होगा प्लास्टिक का फॉर्म होता है नाइलोन, इसकी स्पीड 1.96×10^8 मीटर सेकंड। तो यहां से हम देख सकते हैं, जो आपको ये आई थिंक दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा कि जो निर्वात में लाइट की स्पीड है वो 3 का मल्टीपल है। और यहाँ पे जैसे ऐसे आप देखते हैं, जैसे देखिए निर्वात में सबसे ज्यादा इसकी स्पीड है 3×10^8 मीटर सेकंड है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर पूछता है तो हम ये बोल सकते हैं इसके बाद जल में सबसे ज्यादा स्पीड है, क्योंकि जल की स्पीड जो है वो 2.23×10^8 मीटर सेकंड है। इसके बाद अगर देखेंगे तो फिर तारपीन के तेल में है 2.04×10^8 मीटर सेकंड है। इसके बाद कांच में इसकी स्पीड देखिए 2×10^8 मीटर सेकंड है, यानी कि स्पीड सबसे ज्यादा किस में है, निर्वात में है, इसके बाद जल में है, इसके बाद तारपीन के तेल में है, और इसके बाद कांच में है, और सबसे लास्ट में क्या है, नाइलोन। नाइलोन में इसकी स्पीड कितनी होती है, 1.96×10^8 मीटर सेकंड हुआ करती है। तो दोस्तों आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप इन सबको आई थिंक नोट डाउन भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल मत, कोई भी एग्जाम इंडिया का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो या फिर छोटे मोटे के जो भी एग्जाम साइंस के होते हैं, मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और कोई भी फैक्ट छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो
तो हमने देख लिया क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है, निर्वात में होती है, और सबसे कम किस में होती है, नायलोन में होती है। और कई बार नायलोन का पूछ भी लेता है कि नायलोन में कितनी स्पीड होती है, तो 1.96 × 10⁻¹⁸ मीटर सेकंड होती है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सन से लेके पृथ्वी तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, तो सन से लेके पृथ्वी तक आने में लाइट को कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड। अच्छा, इसके सिमिलर ये भी पूछ सकता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का टाइम लगता है, मतलब 1 मिनट 28 सेकंड में चंद्रमा से लेके पृथ्वी तक, अर्थ तक लाइट आ जाती है। अब बात एक चीज यहां समझने की, आप आई थिंक ये नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर उठाते हैं। बात यह समझने की है कि जो चंद्रमा होता है या फिर कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट है, क्या यह चंद्रमा, चंद्रमा भी ऐसे ही क्रिया करता है जैसे सन करता है? सन एक तरह का क्या होता है, स्टार होता है, और जितने भी स्टार होते हैं उनमें नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि उनमें नाभिकीय संलयन के द्वारा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सैटेलाइट में ऐसा कुछ नहीं होता है। सैटेलाइट कोई एनर्जी नहीं बनाता है, बल्कि ये एनर्जी को क्या करता है, दूसरे लाइट को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब ये सन, पहले सन की लाइट चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा उस लाइट को पृथ्वी में भेज देता है, ऐसा होता है, यानी कि ये परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन की थ्योरी में काम करता है। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो खुद एनर्जी या लाइट नहीं बनाते हैं, बल्कि ये किसी न किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपने दूसरे हिस्से पे या फिर पृथ्वी तक यहाँ पे पहुंचाते हैं। इसीलिए चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो टाइम लगता है 1.28 सेकंड लगता है। आप देख पा रहे होंगे कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी कम है, जबकि सन के बीच की दूरी और पृथ्वी के बीच की दूरी 150 करोड़ के आसपास है, किलोमीटर के पास है, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है दोस्तों, वो टाइम लग रहा है 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको, दो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ आपको, एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि चंद्रमा खुद एनर्जी नहीं बनाता है, खुद लाइट क्लियर नहीं करता है, बल्कि किसी न किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जितने भी सैटेलाइट होते हैं इसी तरह कार्य करते हैं। जैसे हम प्राकृतिक सैटेलाइट भेजते हैं, यानी कि नेचुरल या मानव मेड, यानी कि मैन मेड सैटेलाइट जो हम पृथ्वी के या चंद्रमा के या फिर मंगल ग्रह के, उसके क्या करते हैं, उसके ग्रेविटेशन एक्सिस पे भेजते हैं, ग्रेविटेशन ऑर्बिट पे भेजते हैं, और घूमता रहता है। आखिर वो एनर्जी कहाँ से पाता है, वो उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज लगा के भेजते हैं वो एनर्जी वो कहाँ से पाता है अपने आप को ऑपरेट करने के लिए? तो वहाँ पे हम एक छोटे से सिलिकॉन का प्लेट भी लगा के भेजते हैं, जर्मेनियम की प्लेट लगा के भेजते हैं, और वो जो कार्य करता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कार्य करता है, यानी कि हम बात करें वो क्या करता है, सन एनर्जी को लेता है, उससे हीट होता है, गर्म होता है, और उसको वो एनर्जी के रूप में परावर्तित करता है। तो ये किस सिद्धांत पे, जो सैटेलाइट हम मानव मेड सैटेलाइट भेजते हैं किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सोलर एनर्जी के रूप में काम करता है। कैसे कार्य करता है, सोलर एनर्जी, हम कई बार इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी लगा देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा देते हैं, इसमें काम करता रहता है। हम यहां तक बात समझ में आ गई, हम यहां तक समझ लें, अब हम शुरू करते हैं कि हमें चीजें दिखाई कैसे पड़ती हैं। आई थिंक यहां तक आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि चीजें हमें दिखाई कैसे पड़ती है। सपोज ये देख लीजिए, ये मार्कर है, ये मार्कर हमें कैसे दिखाई दे रही है, या फिर कोई एक वस्तु है, ये वस्तु हमें दिखाई क्यों पड़ती है? सपोज इसमें जो सन होता है वो सातों लाइट निकालता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसको क्या बोलते हैं, विव ग्योर ऐसे करके कुछ बोलते हैं, ठीक ना। तो ये सातों लाइट निकालता है, ये लाइट, ये सातों लाइट इनमें पड़ती है, किसी वस्तु पे ये सातों लाइट पड़ती है। अच्छा, वस्तु अगर ब्लैक दिखाई दे रही है, यानी कि वो सिर्फ ब्लैक लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी वो छह लाइट को क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर लेती है।
इसी तरह जैसे मान लीजिए कोई पीली दिखाई पड़ रही है या फिर कोई वायलेट दिखाई पड़ रही है या कोई ग्रीन दिखाई पड़ रही है, तो ग्रीन के अलावा जितने भी ऑल लाइट हैं उन सभी को ऑब्जर्व कर लेती हैं और वो एक ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। वो कौन सी होती है, हमारी आंखों तक तो पहुंचती है, वो कौन सी होती है, ग्रीन लाइट होती है, तो ग्रीन लाइट को ही रिफ्लेक्ट करती है। तो फिर क्या वस्तु कैसे दिखाई देती है, वस्तु दिखाई कैसे देती है, एक्चुअली वस्तु कैसे दिखाई देती है, जैसे हम सपोज दैट किसी किसी को देखते हैं, मान लीजिए आप कोई वस्तु को देखते हैं और वो वस्तु आपको दिखाई देती है, तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इसका सिद्धांत ये होता है कि पहले उस लाइट पे प्रकाश पड़ा और जब वो प्रकाश पड़ा तो आपसे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जब वो परावर्तित होकर आपके आंखों तक आया तो वो चीज आपको दिखाई देने लगी। ऐसा नहीं कि आप चीज को देखते हैं वो तुरंत दिखाई देने लगे, नहीं, वहां से परावर्तित होकर प्रकाश जो आपके पास आ रही है वो उस कारण से आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी वस्तुएं हमें दिखाई कैसे पड़ती हैं। हमें सनलाइट से जो मिलती है वो विगोर मिलती है, जो सेवन कर सेवन वेवलेंथों से मिलकर बनी होती है, उनमें से कोई एक वेवलेंथ को रिफ्लेक्शन होता है और वो वस्तु उसी कलर की दिखाई देती है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं, हम इनको पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर क्या होता है, गोलीय मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव क्या लेंस क्या होता है, आइस क्या होती है, कैसे कार्य करता है, किसमें कैसा इमेज बनता है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। अच्छा, इसके पहले कुछ जानने की जरूरत है। हम जब प्लेन मिरर पढ़ाएंगे तो उसमें जरूरत यह है कि हमें समझना है कि दो तरह की इमेज बनती है। इमेज जो बनती है तो कैसे बनती है, दो तरह की। एक इमेज जो बनती है उसे कहते हैं वर्चुअल वर्चुअल इमेज, और एक जो बनती है उसे कहते हैं रियल इमेज। अच्छा, वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसकी हम फोटो कॉपी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, फोटो कॉपी नहीं निकाल सकते हैं उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे, और वो जिसकी हम फोटो कॉपी निकाल सकते हैं उसको क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। डायरेक्टली आप इतना समझ लीजिए, यानी कि जैसे आप सपोज दैट मान लीजिए किसी पर्दे पे कोई अगर कुछ इमेज बन रही है तो आप उसकी फोटो निकाल सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए प्लेन मिरर जो आप देखते हैं अपने घरों पे मिलन होता है उसमें जो आप चेहरा देखते हैं, क्या उस चेहरा की आप फोटो कॉपी निकाल सकते हैं किसी प्रिंट के थ्रू? नहीं निकाल सकते। इसलिए हम ये बोल देंगे कि वहां पे बनने वाला जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। इसको हम और अच्छे से समझेंगे कि वर्चुअल एक्चुअली में होता क्या है। तो आपको बेसिक मैंने बता दिया कि रियल और इमेज दो प्रकार की होती है, एक वर्चुअल होती है एक रियल इमेज होती है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक्चुअली में सपोज दैट रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, मैं आपको एक फैक्ट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां से कोई लाइट, ये कोई रेज है और ये एक कोई मान लीजिए सपोज प्लेन मिरर है, एक लाइट ये पड़ी एक लाइट ये पड़ी, ये लाइट परावर्तन होके इधर मूव करी और जहां पे मिलेगी ये परावर्तन लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन लाइट परावर्तन रेज जहां पे मिलेगी परावर्तन, ये परावर्तन रेज होगा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन रेज। तो ये दोनों जहां इंसिडेंट रेज जब सतह पे या फिर प्लेन मिरर में पड़ के रिफ्लेक्ट होती हैं और वो रिफ्लेक्ट जहां पे होके मिलती हैं उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इमेज फॉर्म। तो वहां पे जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में मिलती है वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। तो यहां पे क्या बनेगा, इमेज। अब देखिए अगर ये परावर्तित लाइट जो है यहां पे रिफ्लेक्शन लाइट रियल में मिलती है तो वो बोलेंगे रियल इमेज। सपोज ये लाइट यहां पे ना मिलती, इधर कहीं मिलती, हम इमेज कर रहे हैं यहां कहीं मिलती, तो इसको हम यहां पे जो बनने वाला इमेज होगा वो कैसे होगा, वर्चुअल इमेज। ये हम अब आगे हम लेंस जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि वर्चुअल और रियल इमेज क्या होते हैं।